थॉर ने थैनोस को 6 इन्फिनिटी स्टोन्स होने के बाद भी कैसे हराया? आप सोच रहे होंगे कि थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर था जो कि उरु से बना हुआ है और ये एमसीयू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, इसीलिए वो थैनोस को हरा पाया, जो कि सही है। लेकिन इसका आंसर ये नहीं है, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को नहीं हरा सकता। तो इसके दो मेन रीजन है। पहला रीजन ये है कि थैनोस बहुत वीक था। जब भी वो इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करता था वो कमजोर पड़ जाता था। हमने देखा कि जब थैनोस के पास एक इन्फिनिटी स्टोन था तो उसने कितनी आसानी से हल्क को हरा दिया था, लेकिन जब उसके पास 5 इन्फिनिटी स्टोन्स थे तो वो कमजोर हो गया, और यहाँ तक कि कैप्टन अमेरिका भी उसे कुछ टाइम के लिए रोक सकता था। इसीलिए जैसे ही उसने 6 स्टोन्स कलेक्ट किए तो वो एक इनवैलिड फॉर्म में था और वो थॉर के अटैक को नहीं रोक पाया। और दूसरा रीजन ये है कि जब थैनोस ने सभी इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट किए तो वो उसी प्रोसेस में था और थॉर ने अचानक अटैक कर दिया, जिसने उसे तैयार होने का टाइम नहीं दिया। उसने जो बना वो किया, लेकिन वो थॉर को रोकने के लिए काफी नहीं था।